hello everyone as alaikum myself salih and i welcome you all to the quintessence classes and today i came up with uh, top 100 frequently asked for mcqs of computers for jkssb examinations and i have divided these 100 questions into two parts part one and part two and in part one i will discuss first 50 questions and in part two i will discuss another 50 questions but before discussing these questions, I would like to tell you that Queen Essence is going to start a new batch of JKSSP, VLW or CGL examination. So uh, you, if you are interested, then you can get yourself registered in the main office, uh, which is located in the gold market Karan Nagar above the post office. Now, let's start with the first part of 50 questions. The question number one is. dash option helps you to type very small letters just above the line of the text in ms word so jab bhi aapko say for example koi square chadana hoga koi power chadana hoga clear to hum hamesha ek cheez ka use karte hain that is the super script और जब हमें फॉर एग्जाम्पल वॉटर का फॉर्मूला लिखना है जैसे हमें लिखना है H2O, 2 जो होता है H के नीचे आ जाता है, that is the base. ठीक है सो ये बेस और पावर जो है इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वन इज कॉल्ड सब स्क्रिप्ट एंड वन इज कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट सो जब भी आपको बेस लेनी होती है तब हम हमेशा सुपर सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं और जब भी हमें कोई पावर चढ़ाना होता है तो हम हमेशा सुपर स्क्रिप्ट का यूज सुपर सुपर का यूज करते हैं क्लियर सो दैट मींस कि जो स्मॉल लेटर्स होते हैं जस्ट अबाउट द लाइन ऑफ द टेक्स्ट दैट इज एक्चुअली द पावर That's actually the power. So, that is actually the super script. So, the correct answer of this question is the super script. So, the correct of answer of this question is the super script. Clear? Now, let's see the next question. The next question is dash dash represents data by varying the widths and spacing of parallel lines, which can be scanned to obtain information within it. सो so, आपने यूजुअली नोटिस किया होगा कि जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पीछे एक स्पेशल कोड लगा होता है इन पार्ला लाइनेस जो ब्लैक एंड व्हाइट लाइन होती है क्लियर जो ब्लैक लाइने होती है और उनके बीच में स्पेसिंग होती है और उनके नीचे छोटे से नंबर्स लिखे होते हैं नीचे से वो जो लाइनेस होते हैं उसको हम यूजली कहते हैं बार कोड्स ठीक है सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द बार कोड्स दैट इज द बार कोड्स तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बार कोड्स क्लियर क्वेश्चन नंबर सेकंड स्मॉलेस्ट यूनिट अगर हम देखेंगे दैट इज बाइट लेकिन यहाँ पे बोला गया है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ साइज सो इन टर्म्स ऑफ साइज जो अगर इन ऑप्शंस में आप देखोगे सबसे छोटा जो साइज में है दैट इज द

यूजुअली आप सब लोगों ने इनके बारे में सुना ही होगा डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम सो दैट मीनस दीज ऑल सॉफ्टवेयर आर द ऑपरेटिंग सिस्टम सो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू द पावर पॉइंट सो पावर पॉइंट में तो अगर आपको डुप्लीकेट स्लाइड लेना है तो तो पे अगर आपको duplicate slide create करनी होगी किसी की, जैसे ही आप डुप्लीकेट स्लाइड ऑप्शन में जाएंगे जो भी सिलेक्टेड स्लाइड होगी उसका एक डुप्लीकेट कॉपी आपको जनरेट हो जाएगा ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है that is duplicate slide. क्स्ट जो आपके पास है दैट इज दैट इज अगेन विध रेस्पेक्ट टू द पॉवर पॉइंट सो देशन इन पॉवर पॉइंट लेट्स यू वॉन्ट टू सिलेक्ट अफॉर्म पैटर्न दैट गिवज द इम्प्रेशन दैट दिलाईड इज डिस्प्लेड ऑन अ मटीरियल सच एज अ क्लॉथ ठीक है तो आप पॉवर पॉइंट जो बैकग्राउंड यूज करना चाहते हैं कि वो जस्ट लाइक like आपको पीछे से कोई क्लॉथ लगे कोई पैटर्न जैसा लगे ठीक है ऑप्शन so जो है जो करेक्ट आंसर है दैट इज दैटर्न सॉलिड जो होता है दैट इज अ सॉलिड कलर रेड ब्लैक ग्रीन जब भी आप सॉलिड कलर का यूज करते हैं क्लिप आर्ट जो होती है दैट इज द पिक्चर ग्रेडियंट जो आपके पास होता है दैट इज द वेरिएशन ऑफ द डिफरेंट कलर्स ठीक है, बट ये जो आपके पास मटीरियल लाइक मटीरियल लाइक सिचुएशन मटीरियल लाइक बैकग्राउंड है आपके पास इनको हम कहते हैं पैटर्न इनको हम कहते हैं पैटर्न क्लियर सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच which among the गिवन uh, options इज नॉट a टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम used इन पीसीज तो अभी हमने देखा पिछला क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम का जहां पे हमने विंडोज देखा लाइनिक्स देखा डॉस देखा सो ऑल ऑफ दीज आर ऑपरेटिंग

ये जो वॉच विंडो है ये एक्सेल के किस टैब में प्रेजेंट होता है तो वॉच विंडो जो है ये ऑलवेज आपको प्रेजेंट होता है इन फॉर्मूलाज टैब इन फॉर्मूलाज टैब सो फॉर्मुलाज टैब में ही आपको वॉच विंडो मिलेगा नेक्स्ट जो है दिस इज अगेन विथ रेस्पेक्ट टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दैट इज डैश डैश इज अ ब्लू एरो दैट शोज द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेल्स फॉर्मूलाज इन एक्सल मीन्स एक ब्लू एरो जो होता है ठीक है जो रिलेशनशिप जो रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन द सेल्स यूज इन द फॉर्मूलाज जो भी सेल्स हम फॉर्मूलाज में यूज करते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप दिखाने के लिए जो ब्लू एरो का यूज होता है उसको हम यूजअली कहते क्या है तो so, उसको हम यूजअली कहते हैं सेल ट्रेसर उसको हम यूजअली कहते हैं सेल ट्रेसर उसको हम यूजुअली कहते हैं सेल ट्रेसर सो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज सेल ट्रेसर नाउ क्वेश्चन नंबर टेन दिस इज अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्सेल सो दैट इज डैश फंक्शन इन एक्सेल अलाउज यू टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट ठीक है अलाउज यू टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट इन द गिविंग स्ट्रिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग है और उसमें कोई टेक्स्ट पोर्शन आप रिप्लेस करना चाहते हैं किसी और टेक्स्ट के साथ तो यहाँ पे आप कौन सी एक्सेल की फंक्शन यूज करोगे होती है बट यहाँ पे जो फंक्शन हम यूज करेंगे टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विद्यू टेक्सट द फंक्शन इज कॉल्ड सब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज

जैसे आप देख सकते हैं एस एम टी पी जो है प्रोटोकॉल पीओपी प्रोटोकॉल वाई इसका जो correct answer है डीएसएल so, का मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन सो करेक्ट आंसर जो यहां पे है दैट इज डीएसएल क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व मरी इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द रैम एंड द प्रोसेसर जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है और जो हमारी रैम होती है इनके बीच में इंटरमीडिएट का काम कौन करता है क्लियर सो so, जो हमारा सीपीयू होता है उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है और रैम का जो एक्सेस टाइम होता है ये कम होता है एज कंपेयर टू द सीपीयू क्लॉक साइकिल टाइम सो दैट मीनस की रैम जो है ये सीपीयू के साथ जो है अच्छे तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाता ये उसको स्लोली डेटा फॉरवर्ड करता है और प्रोसेसर जो है ये उसको उस उसको क्विकली उस डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करके एग्जीक्यूट कर देता है क्लियर सो दैट मींस रैम और प्रोसेसर के बीच में एक स्पीड मिसमैच होती है सो इन ऑर्डर टू ओवरकम फ्रॉम दिस स्पीड मिसमैच बिटवीन द रैम एंड द प्रोसेसर हम हमेशा जो हमने स्टूडेंट्स को भी क्लास में बताया हुआ है कि हम हमेशा एक मेमोरी का यूज करते हैं विच एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द The RAM and this processor that is the cache memory. Cache is the very small fast memory whose access time is very close to the processor's clock cycle time. Clear. So that's why this is used as an intermediate between the RAM and the CPU. Now, next question is again with respect to the internet and data communication. So that is dash is an information storage and retrieval system.

क्लियर बट अगर हम देखेंगे आपके पास बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है ठीक है सो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर फॉर एग्जाम्पल अगर हम जेके बैंक की ही बात करेंगे ठीक है तो जेके बैंक आपका यहाँ पे भी है दिल्ली में भी है मुंबई में भी है आपका जेके बैंक इवन फॉरेन में भी आपका जेके जेके बैंक है तो आप जेके बैंक का डेटा जो है ये समझो कि हर सिटी में हर आ, स्टेट में आपके पास मिलेगा हर स्टेट में आपके पास डेटा अवेलेबल है दैट मीन्स विद इन द कंट्री जो है तो ये एक वाइड एरिया नेटवर्क क्रिएट करती है बट दैट मीन्स कि ये वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये द ऑर्गेनाइजेशन ही यूज होती है विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही यूज होती है सो so, जो भी नेटवर्क जो भी वाइड एरिया नेटवर्क द ऑर्गेनाइजेशन हम यूज करेंगे सो इंट्रा नेट उसको कहते हैं इंट्रा नेट जो जनरल पब्लिक के लिए हम अवेलेबल नहीं रखते हैं जिसको विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही यूज किया जाता है तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है इंट्रानेट क्लियर तो एक्स्ट्रा नेट भी यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्स्ट्रा नेट भी होता है बेसिकली विद इन दर्गेनाइजेशन ही यूज करते हैं बट देर इज सम इन्फॉर्मेशन जो हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को यूज करने के लिए देते हैं जैसे यही बैंकिंग की अगर हम बात करेंगे तो बैंकिंग के कुछ फीचर्स जो है वो आम लोग भी यूज करते हैं जैसे आपको अपना बैलेंस चेक करना है तो आप अपना बैलेंस जो है अपने ऐप के थ्रू चेक या बैंक के ऐप के थ्रू चेक कर सकते हैं या नेट बैंकिंग के थ्रू चेक कर सकते हैं सो मैन जब हमारे पास थोड़ा सा पोर्शन ऑफ

रॉम होते हैं रोम के टाइप्स होते हैं तो जैसे एक प्रॉम है जिसकॉल्ड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और जिसी तरह से ई पी रॉम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी सो जो प्रोम होता है वो यूजुअली हमारे पास रिप्रोग्रामेबल नहीं होता है वो वंस प्रोग्रामेड होता है जो एक बार प्रोग्राम हो गया दोबारा आप उसको प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं लेकिन इरेजेबल का मतलब है कि आप डेटा इरेज कर सकते हैं और उसमें नया डेटा स्टोर कर सकते हैं तो यही यहाँ पे कहता है डायल डैश कैन बी रीप्रोग्रामड तो टू इरेज डेटा फ्रॉम इट एक्सपोज इट टू वेट लाइट और पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट टू रिप्रोग्राम इट इरेज ऑल द प्रीवियस डेटा सो इन ऑर्डर टू इरेज द डेटा फ्राम दिस मेमरी So, That is called erasable programmable read only memory. So that's actually called EPROM. EPROM that is called erasable programmable read only memory. Clear? So, in order to reprogram it, you need to erase the previous data from it. Next question is: dash dash is a multiple of the unit byte for digital information, which is 1 billion bytes, which is 1 billion. बाइट तो so, अगर हम देखेंगे one megabyte जो है तो so, के बाद अगर आप देखोगे आपके पास आता है तो so, जो है that is equivalent to one billion bytes. So, यहां पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज दैट इज दीगाइट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज डैश डैश इज डिवाइस दैट एक्ट्स लाइक अ मिनी कंप्यूटर Which is used by business professionals to access email and internet. So आपने usually देखा होगा, में भी बहुत सारे देखा होगा कि न्यूज में भी देखा होगा कि जो पर्सन होते हैं उनके सामने एक छोटा सा टैबलेट जैसा डिवाइस होता है जहां से वो अपना इंटरनेट ई मेल जो है या इंटरनेट जो है क्विकली एक्सेस करते हैं जो उनके हाथ में ही होता है क्लियर सो दिल कॉल्ड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स पी डी ए का फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट दिस इज पीडी है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट शाबाश नाउ दिस इज विद रेस्पेक्ट टू द शॉर्टकट की

और बाय यूजिंग द लेजर बीम तो यहां पे इंपैक्ट प्रिंटिंग जो होती है दैट इज द डेजी व्हील डॉट मेट्रिक एंड डेजी व्हील प्रिंटर है आपके पास ठीक so, so, है तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इम्पैक्ट प्रिंटर यहां इज डेजी व्हील क्लियर तो थ्री डी प्रिंटिंग थ्री डी जो है आपके पास प्रिंटर्स नए प्रिंटर्स हैं क्लियर सो इनसे आप थ्री डी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है

नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी, 20 व्हिच डैश की ऑन द कीबोर्ड इज यूज्ड टू स्विच टू ओवरराइट मोड ड्यूरिंग डेटा एंट्री सो कौन सी की आप प्रेस करोगे ओवरराइट मोड में ठीक है सो दैट मींस इसके लिए आपको एक करेक्ट आंसर है दैट इज द इंसर्ट की जब भी आप इंसर्ट की एंटर करोगे so, जो भी लास्ट वाला जो पहला वाला करेक्टर होगा वर्ड का जब आप कोई नया वर्ड एंटर करना चाहोगे तो जो वर्ड्स वहां पे एग्जिस्टिंग वर्ड्स होंगे वो एक एक ओवर राइट हो जाएंगे डिलीट हो जाएंगे और वहां पे नए वर्ड्स जो है वो इंसर्ट हो जाएंगे क्लियर तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच इज विच शॉर्टकट की इज यूज टू सिलेक्ट दर टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सो In order to select the entire text in Microsoft Word, we have a shortcut key which you all may already know. That is Control plus A. So, with Control plus A, we will select all the entire text in Microsoft Word. Microsoft Word. Now, next question is Dash aims to design intelligent machines. that help and assist humans and develops machines that can substitute for humans and replicate human actions you all know ki hamare paas aajkal jo kuch devices hote hain jo jo dheere dheere karke humans ki need jo hai wo dheere dheere karke kam kar rahe hain aur those machines or actually called robotics ya robots unko kehte hain robots kehte hain ya unko robotics kehte clear now question number ट्वेंटी थ्री सो डैश डैश फीचर एनाबल्स यू टू इंसर्ट योर इंसर्ट योर नेम एंड कंटैक्ट इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ ऑल आउट गोइंग ई मेल्स जब भी आप कोई अपना नाम अपनी कंटैक्ट इंफॉर्मेशन या अपने बारे में कोई चीज ई मेल के एंड में लिखना चाहते हैं सो so, जो आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं होती है सो so, जब भी आप ई मेल करोगे ऑटोमेटिकली उसके साथ एड हो जाएगा तो so, उस फीचर को हम कहते हैं सिग्नेचर उस फीचर को हम कहते हैं सिग्नेचर so, उस फीचर को हम कहते हैं सिग्नेचर ना नेक्स्ट नेक्स्ट इज क्वेश्चन टू क्रिएटर दैट इज स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम अवे फ्रॉम द सेल एंड रेंज ऑफ सेल दिसल एंड करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज द ऑफसेट is the offset next is question number 25 that is dash, dash attacks are made by sending an email to target audience and make them provide identifiable information banking and credit details and passwords again this is a kind of hacking technique and that is actually called a phishing that's actually called a phishing so how um, can email ke through कोई लिंक भेज देते हैं और विद हेल्प ऑफ लिंक जो है यूजर जो है अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है उस लिंक में एंटर करते हैं और पीछे से हैकर उस उसको हैक कर देते दे हैं उसके इंफॉर्मेशन के थ्रू ठीक है तो इस टेक्निक को हम यूजली कहते हैं फिशिंग तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स दैट इज डैश डैश राउटिंग एंड रिमोट कॉन्फिग्रेशन अलाउस इंटरनल क्लाइंट इंटरनेट यूजिंग आई पी एड्रेस एक ही आई पी एड्रेस होता है हमारे पास जब वो जनरल पब्लिक यूज करेगी ठीक है तो उसके लिए एड्रेस ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए एक स्पेशल यूज होता है एक स्पेशल कॉन्फिग्रेशन यूज होती है दैट कॉल्ड नेट का मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यू कैन चूज रोज एंड दैट नीड टू बी रिपीटेडली प्रिंटेड ऑन ईच पेज बाय डैश डैश ऑप्शन अंडर पेज सेटअप सेक्शन ऑफ द क्लियर सो यू कैन चूज रोज एंड दैट नीड टू बी रिपीटेडली प्रिंटेड अगर आपको चूज करने हैं रोज एंड कॉलम्स दैट नीड टू बी रिपीटेडली प्रिंटेड ऑन ईच पेज सो दैट मींस यू हैव टू चूज द प्रिंट टाइटल्स आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा टाइटल्स का ऑप्शन जो पेज सेटअप के अंदर आपको मिलेगा अच्छा क्वेश्चन नंबर 28 दैट इज डैश डैश इज द यूज ऑफ टू और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स जब एक से ज्यादा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूज करेंगे विद इन द सिंगल कंप्यूटर सिस्टम तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे उस या उस टेक्निक को हम क्या कहेंगे उस टेक्निक को हम कहेंगे मल्टी प्रोसेसिंग क्योंकि मल्टी प्रोसेसिंग तभी पॉसिबल है जब आपके कंप्यूटर में मल्टी कोर या मल्टीपल सीपीयूज लगे होंगे बिकॉज सीपीयू इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग ओनली वन टास्क माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सो दिस इज विच विच द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक सो इन ऑर्डर टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड shortcut की दैट इज कॉल्ड कंट्रोल प्लस Enter. So control plus enter jab karoge. So this will insert a page break in Microsoft Word. Question number 30. Die dash option in Microsoft Word allows you to select the formatting information of a text and apply the same to another text. So, आप किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद दूसरे टेक्स्ट पे वो अप्लाई करते हैं तो इस ऑप्शन को हम क्या कहेंगे मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताया था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो so, इसको हम कहते हैं फॉर्मैट पेंटर सो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मैट पेंटर ऑप्शन आप किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सिलेक्ट कर सकते हैं और वो दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं और उस टेप उस टेक्स्ट पे नए टेक्स्ट पे ऑटोमेटिकली वो फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी Next Chohen, question number 31, that is, dash dash tool allows you to create standard calculations, formatting and charts very quickly. So there is an option in the Microsoft Excel which does this job and that is called quick analysis tool. That's called a quick analysis tool. And this quick analysis tool will allows you to create standard calculations, formatting and charts very quickly. quickly. Question number thirty-two. Which of the following is a guided communication media? As I as I told my students in the class that we have two types of communication media. One is the guided one, and another one is the unguided one. So guided का मतलब होता है जहाँ पे cables का use होता है और unguided का मतलब है जहाँ पे सारी transmission जो होती है वो using waves होती है. तो यहाँ पे satellite जो है ये भी microwaves का use करती है. Radio waves waves ही होते हैं.

ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड जो भी सिग्नल जब भी ज्यूरिंग ट्रांसमिशन सिग्नल लॉस हो जाती है ठीक है या खराब हो जाती है, है लॉस होना या ज्यूरिंग ट्रांसमिशन सिग्नल जो है लॉस या डिस्टॉर्ट होना दट इज कॉल्ड एटेनुएशन और डिस्टॉर्शन सो करेक्ट आंसर इज एटिन थर्टी फोर and a and dash dash is written which is an english like explanation of the solution explanation of the solution so jab bhi aap koi bhi problem hum aapko dete hain aur aap usko sequential solution nikal ke dete hain sequential solution निकाल के देते हैं so English like explanation of the sequential solution जो है उसको हम usually कहते हैं सीडोकोड एक होता है एल्गोरिथम

कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर चेंज तो पहला ही ऑप्शन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर चेंज तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर चेंज सो दिस इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू पॉवर पॉइंट सो दट इज इन माइक्रोसॉफ्ट पॉवर पॉइंट फॉर्म एट बैकग्राउंड उंड अंडर विच टैब फॉर्मैट बैकग्राउंड होता है. Format background है क्योंकि हम स्लाइड के अंदर ही करते हैं so फॉर्मैटिंग जो है वो डिजाइन टैप के अंदर ही होता है ठीक है तो दैट मीन यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है दैट इज डिजाइन टैब दिस इज वन मोर एग्जाम्पल विथ रेस्पेक्ट टू द प्रिंटर So, this dot matrix is an example of which type of printer. So, dot matrix is an example of the impact printer as I told you earlier. This is an example of the impact printer. Because here a external force is used that is pins in order to print the characters on the paper. Now, next you have that is 38.

कंप्यूटर में तो इससे सारा डेटा जो है वो इरेज हो जाता है so, इसमें हमें कंटिन्यूस पावर सप्लाई देने की जरूरत पड़ती है सो दैट के रैम जो है ये अपना डेटा जो है स्टोर करके या रिटेन करके रखे नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन वन जीरो टू फोर जी बी इज इक्वलन टू सो अगर हम देखेंगे वन जीरो जीबी जो होता है जीबी के बाद आपके पास आता है टीबी टीबी का मतलब होता है टेरा बाइट सो वन जीरो टू फोर जीबी इज इक्वल टू वन टेरा बाइट वन टीबी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द प्रोटोकॉल यूज बाय द मेल सर्वर आई मैप स्टैंड फॉर मैंने पढ़ाया था स्टूडेंट्स को uh, अपनी क्लास में दैट इज हमारे पास कुछ ई मेल प्रोटोकॉल होते हैं एस एम टी पी है हमारे पास जैसे IMAP है है प्रोटोकॉल आर ऑल प्रोटोकॉल्स और आई मैप का जो फुल फॉर्म है दैट इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल दिस इज अ प्रोटोकॉल यूज टू रिसीव द फ्रॉम द मेल सर्वर सो so, इन अगर हम आई एम प्रोटोकॉल का यूज करते हैं टू रिट्री द ई मेल्स फ्रॉम द मेल सर्वर तो इसकी कॉपी जो होती है ई मेल सर्वर पे भी स्टोर रहती है जब आप ई मेल डाउनलोड करते हैं लेकिन जब आप पी ओ पी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं उससे भी हम ई मेल्स डाउनलोड करते हैं मेल सर्वर से लेकिन जब हम ई मेल्स डाउनलोड करते हैं यूजिंग पी ओ पी प्रोटोकॉल सो तो जो ई मेल सर्वर पे ई मेल्स होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं और सारे जो ईमेल्स होते हैं वो रिसीवर के क्लाइंट कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाते हैं ठीक है ईमेल सर्वर पे कोई ईमेल स्टोर नहीं रहता वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं लेकिन अगर आई प्रोटोकॉल का यूज होता है तो ई डिलीट नहीं होते हैं ई मेल ई मेल सर्वर पे भी रहते हैं और आपके लोकल कंप्यूटर पे भी रहते हैं ठीक है सो आई जो होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और इसका जो पोर्ट नंबर होता है आई मै प्रोटोकॉल का एक दिन एग्जाम में आया था क्वेश्चन याद आ गया इसका जो ईमे इसका जो पोर्ट नंबर होता है इसका जो सर्विस नंबर होता है दैट इज वन फोर थ्री इसका पोर्ट नंबर होता है वन फोर थ्री नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन डायडाश इज अ कॉमन मदरबोर्ड इंटरफेस फॉर पर्सनल कंप्यूटर ग्राफिक्स कार्ड्स जब भी आप एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहते हैं साउंड कार्ड्स लगाना चाहते हैं वाईफाई कार्ड मॉडेम, इथरनेट कार्ड लगाना चाहते हैं तो आपके पास मदरबोर्ड पे कुछ स्पेशल इंटरफेस होते हैं कॉमन इंटरफेस होते हैं और उनको हम कहते हैं पीसीआई एक्सपेंशन स्लॉट्स पीसीआई एक्सपेंशन स्लॉट्स उनको कहते हैं दैट कॉल्ड पैराफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट पैराफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सपेंशन स्लॉट्स इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज पी सी

दैट स जब आप हेडिंग जो होते हैं वो फ्रीज करके रखना चाहते हैं सो so दैट आप, आपके पास बहुत सारा डेटा होगा अगर आपको उसमें स्क्रॉल करना है तो हेडिंग्स आप चाहते हो कि वो स्टेबल रहे वो वो फ्रीज हो हो जाए जाए ठीक ठीक है है आपके पास नीचे ना हो जाए, तो वो स्टेबल रहते हैं बाकी डेटा आप स्क्र करके रख सकते हैं तो ये फ्रीज पेन का ऑप्शन जो है ये आपको व्यू के अंडर मिलेगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री दैट इज डैश अलाउज अस टू डिसाइड ऑन द ऑर्डर इन विच द स्लाइड विल बी शोन जूरिंग द स्लाइड शो हम स्लाइड को अरेज और रीअरेंज करना चाहेंगे इन पर्टिकुलर ऑर्डर में तो किस ऑर्डर में आप उनको डिस्प्ले कराना चाहते हैं ज्यूरिंग पावर पॉइंट स्लाइड शो ठीक है तो हमारे पास एक विव होता है जिसको हम कहते हैं स्लाइड शॉटर विव जो स्लाइड शॉर्टर पेन होती है हमारे पास विव होता है हमारे पास और यहाँ स्लाइड शॉटर पेन में हम स्लाइड को शॉर्ट करते हैं अरेज करते हैं तो उसी जिसमें हम सॉर्ट करेंगे जिस मैनर में हम इसको अरेंज करेंगे उसी मैनर में वो वन बाय वन डिस्प्ले हो जाएंगे जब हम स्लाइड शो करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट दैट इज इज क्वेश्चन नंबर अमंग द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ पोर्ट्स इज कॉमनली यूज फॉर कनेक्टिंग इनपुट डिवाइसेस सच एज माउस कीबोर्ड एक्स्ट्रा ठीक है सो जितने भी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं आजकल जो हमारे पास कंप्यूटर होते हैं उनमें हमेशा यूएसबी माउस आते हैं यूएसबी आते हैं तो so हम हमेशा जो इनपुट डिवाइसेस हैं ज्यादातर वो यूएसबी यूएसबी के पोर्ट के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं तो यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस ठीक है नेक्स्ट जो है दैट आरजे फोर्टी फाइव कनेक्टर दैट दिस इज द कनेक्टर विच इज विच कम्स इथरनेट केबल सो जब भी आप फॉर एग्जाम्पल लैंड केबल कनेक्ट करना चाहेंगे अपने computer में, so, उस cable के सामने एक छोटा सा प्लग लगा होता है जो हम इथरनेट कार्ड में फिक्स कर देते हैं ठीक है? है, आपका आपकी जो cable है, वो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाए so, ये जो कनेक्टर होता है इट्स एक्चुअली कनेक्टर ठीक है एट पिन कनेक्टर होता है और एट पिन कैन एकोमोडेट एट वायर कनेक्टर भी इसको कहते हैं एट पिन कनेक्टर भी कहते हैं क्योंकि जो केबल्स यूजुअली आती है, उसमें होते हैं उसमें अकोमोडेट करने के लिए इसमें टेलीफोन like जो टेलीफोन का पीछे एक प्लग आता है जब टेलीफोन के साथ वो प्लग कनेक्ट करते हैं तो ट्यून आ जाता है तो वो जो पिन हो वो जो प्लग जैसा होता है दैट्स कॉल्ड आर जे अलेवन कनेक्टर और वो होता है फोर पिन या सिक्स पिन कनेक्टर

डेटा टैब में मिलेगा क्योंकि डेटा वैलिडेशन, डेटा सॉफ्ट डेटा फिल्टरिंग जो है ये हम डेटा टैब में ही ये आपको। सॉफ्टवेयर कोड इंटेंशनली इंक्लूडेड system with the intention to टू हार्म कंप्यूटर तो कोई ऐसा कोड जो हम इंटेंशनली किसी सिस्टम में एंटर करते हैं उस सिस्टम को हार्म करने के लिए ठीक है एंड दैट सॉफ्टवेयर कोड इज एक्चुअली कॉल्ड कॉल्ड सो पास बहुत सारा बहुत तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे वायरस होता है वर्म होता है ठीक है तो उन सबको हम यूजुअली कहते हैं मालवियर्स मैलेशिय सॉफ्टवेयर नेक्स्ट जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 48 दैट इज 1 पिको सेकंड इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड्स So one picosecond, one uh, microsecond is equal to 10 raised power minus 6 seconds, one nanosecond is equal to 10 raised power minus 9 seconds, and 1 picosecond is equivalent to 10 raise power minus 12 seconds, and 1 femtosecond is equivalent to 10 raised power minus 15 seconds. So one picosecond is equivalent to 10 raise power minus 12 seconds. Now question number 49. you need to add the email address in the dash dash list to keep the contacts confidential while sending the same email to multiple contacts so jab bhi hame multiple contacts ko same email same email send karna chahte hain aur hum chahte hain ki jo contacts hain वो confidential रहे हम जो रिसीवर्स उनको पता नहीं चलना चाहिए कि ये mail जो है किस किस को send हुआ है तो हम जो ईमेल्स हैं वो हमेशा बीसीसी में ऐड करते हैं तो बीसीसी जो होता है कॉल्ड ब्लाइंड कार्बन कॉपी सीसी होता है कार्बन कॉपी एंड बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी तो हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी में ई मेल एड करते हैं ईमेल मेल आई डीज करते हैं ईमेल एड्रेसेस ऐड करते हैं उसके बाद जब भी हम ई सेंड करेंगे तो को जो है दूसरों के ई आईडीज विजिबल नहीं होंगे ये कॉन्फिडेंशियल रहते हैं ये हाइड रहते हैं बाकी

उनको हम कहते हैं तो जब भी हमें फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर वन पे जाना होता है हम बाहर से चैप्टर नंबर वन पे क्लिक करते हैं तो हमें डायरेक्टली चैप्टर वन डिस्प्ले हो जाता है अब अगर हमें चैप्टर टेन पे जाना होगा तो हमें स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है हमारे पास बुक मार्क्स में ऑलरेडी लिखा होगा चैप्टर टेन so, जब भी उस चैप्टर टेन पे क्लिक करेंगे चैप्टर डिस्प्ले हो जाएगा ठीक है सो इन ऑर्डर टू जम्प टू स्पेसिफिक वर्ल्ड सो दिसंस दैट इज द फर्स्ट फिफ्टी क्वेश्चन एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस फिफ्टी क्वेश्चन क्वेश्चन फ्रॉम दे टॉप हंड्रेड mcqs for, of computers for jkcsd examination thank you thank you very much oh,